जॉब वर्सेस बिजनेस बहुत ही साइकोलॉजिकल और कंट्रोवर्शियल मुद्दा है दोस्तों। ये सवाल आज तक हर बंदे ने अपने आप से पूछा होगा, पूछ रहा होगा, सोच रहा होगा या सोचेगा। जॉब करूं, बिजनेस करूं, बिजनेस करूं, जॉब करूं। तो आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इस पड़ाव पे शायद आए होंगे या आने वाले होंगे, प्लान कर रहे होंगे यार स्टार्टअप खोलूं या किसी अच्छी कंपनी के अंदर जॉब करूं। तो देखो आज का ये वीडियो कुछ आपको दे ना दे, लाइफ में क्लैरिटी जरूर देगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको पूरी तरह मदद करेगा। वेलकम टू मनी फंडाज, जहां हमारा मकसद है आपको फाइनेंशियली फ्री बनाना। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं करा है, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, केस स्टडीज के ऊपर आपसे मिस ना हो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब की दुनिया। ये जो जॉब की दुनिया है बहुत ही सिंपल है, सुबह 9 बजे निकलो, शाम को 5 बजे छुट्टी, 6-7 बजे तक घर, टाइम पे तनख्वाह आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब की दुनिया की। तो जॉब के भी अपने फायदे और नुकसान हैं, तो पहले वो समझ लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान जॉब करने के। जॉब करने के फायदे समझ लेते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो दोस्तों उसमें एक सिक्योरिटी होती है कि मैं अपना इतना समय, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, तो मेरे को इतने रुपए हर महीने आएंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी एंड योर एक्सपीरियंस। दूसरा है वर्क लाइफ बैलेंस, लाइफ एक बैलेंस हो जाती है, पता है आपको कि इतने टाइम मुझे काम करना है, बाकी का समय आप अपनी फैमिली के संग स्पेंड कर सकते हैं, कुछ पार्ट टाइम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है इतनी मेरे को छुट्टियां मिलेंगी तो आप हॉलीडेज प्लान कर सकते हैं, काफ़ी कुछ बैलेंस कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है तो। तीसरा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, जॉब में हमेशा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ही होंगी। अगर आप स्किल्ड हैं, अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, नई स्किल्स एड ऑन करते हैं, तो दोस्तों और अच्छी कंपनीज में ट्राई करते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सैलरी वाइज और पोजीशन वाइज मिलती हैं। दोस्तों अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला, लिमिटेड फ्रीडम। अभी तो आप कह रहे थे सर यहाँ पर तो वर्क लाइफ बैलेंस है, यहाँ पर तो प्लान कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दोस्तों सब बात ठीक है, मगर जब आप कहीं जॉब करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कायदे कानून होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना है, तो आपको उसी रूटीन में, उसी प्रोटोकॉल में, उसी स्टैंडर्ड में रह के ही काम करना पड़ेगा, बंधे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकते, ठीक है। सेकेंड, जॉब सिक्योरिटी। अब आप कहोगे यार सर आप तो पहले पॉइंट में यहाँ पर सिक्योरिटी बताई, अब आप यहाँ पर कह रहे हो नुकसान है जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों सिक्योरिटी ये है कि अगर काम कर रहे हैं तो उसका पैसा मिलेगा, मगर वो काम कब तक कर रहे हैं, कब तक वो जॉब है, ठीक है, क्या उसका फ्यूचर है, और हमें एक पड़ाव पे आके कहीं वो कंपनी ना निकाल दे या कुछ और दिक्कत ना हो जाए इंडस्ट्री में, हमारी जॉब चली जाए तो आगे चल के हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये कई सारी अनसर्टेनिटी जॉब के संग हमेशा बनी रहती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे थर्ड, स्टैग्नेशन। क्या है, हम कहीं अटक के रह गए, हम कहीं फंस गए हैं, हमें लगता है कि यार तुम कुछ लाइफ में कर नहीं रहे, वही 9 से 5 का रूटीन चल रहा है, जो हम केपेबल हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर इंसान अपने आप को बंधा हुआ, फंसा हुआ महसूस करता है। अब दोस्तों हमने जॉब की दुनिया के कुछ फ़ायदे नुकसान देखे, अब हम चलेंगे बिजनेस की दुनिया में। जैसे आपको पता है कि मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, तो दोस्तों इससे मैं बहुत वाकिफ हूँ, और मैंने ऐसा नहीं है कि कभी जॉब नहीं करी, मैंने दोस्तों जॉब भी बहुत की है, तो जॉब के एक्सपीरियंस भी है, बिजनेस के एक्सपीरियंस भी है, और बहुत सालों से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो अब हम बिजनेस की दुनिया के कुछ फायदे और नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोज मतलब
कुछ फायदे बिजनेस करने के एंड कॉन्स, बिजनेस करने के नुकसान, इसके ऊपर बात करेंगे। अब दोस्तों कुछ पहले फायदे जान लेते हैं बिजनेस करने के। सबसे पहला है अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, क्योंकि अब जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज और पैसा है जो मैं ले सकता हूँ, कमा सकता हूँ। मगर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, बिजनेस करने में अब आप अकेले नहीं हो, आपके पास एक स्ट्रांग टीम है जो आपने खुद ने चुनी है, ठीक है। तो आप और आपकी टीम अगर सही डायरेक्शन में काम करें तो अर्निंग पोटेंशियल स्काईज आर द लिमिट। दोस्तों सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी, जो हर किसी को लगता है कि यार बिजनेसमैन का क्या है, इसको थोड़ा डेली 9 से 5 जाना है या डेली काम करना है, ठीक है, जब मन करे ऑफिस आओ, जब मन करे घर चले जाओ। देखो ये बात बहुत हद तक ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है, अगर आपका बिजनेस है तो आप टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, आपके बिहाफ पे आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। मगर दोस्तों उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है क्रिएटिविटी। बिजनेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आप अपने कॉम्पिटिटर से, अपनी इंडस्ट्री के अंदर जितना ज़्यादा यूनिक, इनोवेटिव, क्रिएटिव सोच सकते हो और आगे रह सकते हो, उतना ही ज़्यादा आपके बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा, आप ग्रो करेंगे। बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, मगर जो क्रिएटिव इनोवेटिव कंपनीज होती हैं, जो नई अप्रोच रखती हैं, उनकी ग्रोथ और उनको मार्केट एक्सेप्ट भी बहुत जल्दी करती है। अब बिजनेस करने के कुछ नुकसान भी देख लीजिए। सबसे पहला है फाइनेंशियल रिस्क, जो सबसे बड़ा रिस्क है। लोग जॉब क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि सबको पता है बिजनेस का नाम ही दूसरा रिस्क है। क्योंकि अगर आप बिजनेस करेंगे तो वहाँ पर प्रॉफिट बात की बात है, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम सबको पता है कि जो भी बिजनेसेस ओपन होते हैं, स्टार्टअप ओपन होते हैं, उसमें से 90% या 80% जो स्टार्टअप्स हैं वो पहले साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई अपनी जमा पूंजी लगाता है, कोई उधार लेता है, कोई लोन लेता है, ठीक है, उसके अलावा कई तरीके के रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो सब फेस करने पड़ते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो, ठीक है। तो वो लीडर जो है, जो बिजनेस चला रहा है, उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो सब जानते हुए भी रिस्क लेता है, वो लीड करता है, तभी वो फिर आगे चल के बिजनेस में अगर ग्रो करता है तो उसका फायदा उठाता है। सेकंड है लॉन्ग आवर्स। दोस्तों 9 से 6 की जॉब तो नहीं है किसी बिजनेसमैन की, मगर 24 घंटे बिजनेसमैन काम करता है, आप ध्यान रखना। जब तक सो रहा है शायद सपनों में भी उसका बिजनेस ही आ रहा होगा, मगर अगर सोने का टाइम हटा दें तो ऐसा कोई टाइम नहीं है जब बिजनेसमैन अपने काम के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ क्रिएटिव या कुछ अलग ना सोच रहा हो। कभी भी उसके बिजनेस को, उसके क्लाइंट को ज़रूरत पड़ती है, उसके एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़ती है, तो उसको वहाँ रहना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि 9 से 5 है क्या है। अब अगर हम बात करें, जो मैंने पहले बात करी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपने खुद का जो पैसा समय लगाया हुआ है, आपका परिवार है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने आपके पूरे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ग्रो करने की आपके ऊपर है, आपके जो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी, उनके परिवार की, उनकी वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपकी कंपनी की ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो जो बिजनेसमैन है वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ भी अगर ख़राब होता है। हाँ अगर कुछ अच्छा होता है तो ऑब्वियसली वो टीम वर्क है। तो हमेशा आप देख लेना, क्रिकेट में अगर टीम जीतती है तो जीत पूरी टीम की है, मगर हारती है तो कप्तान ही हारता है। अब दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम कंक्लूजन पे आते हैं। देखो मैं जॉब भी कर चुका हूँ, मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, तो एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको सलाह भी दूंगा। दोस्तों देखो जॉब भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, बट हर एक चीज़ का करने का तरीका और प्रोसेस है। बड़े बूढ़े हमारे क्या कहते हैं कि बेटा बिजनेस भी करना है तो उससे पहले उस इंडस्ट्री में जॉब कर ले, कुछ सीख ले, कुछ पैसा जोड़ ले, तब समझदारी से। क्योंकि क्या होता है कि मान लो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है, ठीक है, बिजनेस करना, बट उससे पहले एक साल में डिजिटल मार्केटिंग की किसी एजेंसी में जॉब करता हूँ तो वहाँ से मेरा नेटवर्क बनता है, क्लाइंट का नेटवर्क बनता है, मेरे टीम मेट्स एम्प्लॉयज़ का नेटवर्क बनता है, कैसे प्रोजेक्ट आते हैं, कैसे किए जाते हैं, कितना रिटेंशन होता है, कैसा पेमेंट आता है, अंदर के क्या फ़ायदे नुकसान है, सब चीज़ें मुझे पता लगती है, और एक साल जो मैंने पैसा जोड़ा वो भी हो गया। तो जॉब हमेशा आपको एक्सपीरियंस देगी, ठीक है, बट अगर आपका गोल सेट है कि मेरे को इसी लाइन में बिजनेस करना है तो वो आपको एक बैकअप देगी, ठीक है।
अब क्या होता है कि अगर आपको शुरुआत से ही एज ए स्टार्टअप शुरू करना है, जॉब करनी नहीं, तो अगर आपके पास पैसों का बैकअप है, एक अच्छा आइडिया है, पेशेंस है, ठीक है, अच्छी टीम है, ठीक है, तो आप स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हो। बट ऑब्वियसली रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगा बिजनेस के अंदर अगर आप इंस्टेंट शुरू कर लोगे। अब दोस्तों हमेशा अगर आप डायरेक्ट बिजनेस भी शुरू करते हो तो हमेशा जो पैसा है वो स्टेज वाइज लगाओ, प्लानिंग करो, स्ट्रेटजी बनाओ। ये नहीं कि सारा पैसा पूंजी आपने शुरुआत में जाओ भी, ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बिजनेस के ऊपर सीरीज लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिए बिजनेस सीरीज, बिजनेस सीरीज, बिजनेस सीरीज। दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोगों के जितने ज़्यादा कमेंट पढ़ूंगा उनके जवाब दूंगा, और जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट आएंगे हमारी टीम पूरी मेहनत करके आपके लिए एक शानदार बिजनेस सीरीज लाएगी जो आपको बिजनेस को समझने और करने में हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।